तो देखिए आंख का पत्ता है, उसके बाद आपके एरिया में जो भी पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, शरीफा के पत्ते हैं, या आपके जो मैंने बताया धतूरे के पत्ते हैं, आपके नीम के पत्ते हैं, जो पत्ते अवेलेबल, जितने पत्ते ले सकें, 10 15 20 30 जितने पत्ते मिले, सारे पत्तों को लेके पीस के एक एक किलो डेढ़ डेढ़ किलो करें। फायदा क्या है कि जब सारे पत्ते हम लेते हैं, जो कि फायदेमंद है, पत्ते सारे फायदेमंद होते हैं, तो उसमें क्या है कि एक तो हर एक जो आपके पेड़ है उसके पत्तियों में कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू है, तो एक तो रोग बीमारियों के रोकथाम के लिए काम आता है, दूसरा क्या है न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जैसे सहजन के पत्ते ले लिए तो उसमें बहुत सारे हमारे मिनरल्स मिल जाते हैं, अमरूद के पत्ते ले लिए उससे भी आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, तो ये सारे के सारे पत्ते मिला के डेढ़ डेढ़ किलो दो दो किलो लेके एक किलो कम से कम हो पीसने के बाद डाल दिया, डालने के बाद 20 दिन छोड़ देंगे, वो आपका अर्क बन जाएगा, उसको हमसे छान के रख लीजिए। तो ये चीजें दो जो चीजें हमें बताई, तीनों चीजें आपके पास तैयार होनी चाहिए। अब जो है जो एप्पल की फसल है, जो हमारी सेब की फसल, उसमें प्रयोग कैसे करेंगे, तो पहला प्रयोग यह है कि पानी के साथ, अगर आप फ्लड इरिगेशन करते हैं, पानी अगर साथ में बहाते हैं, तो उसमें कम से कम हमारा वेस्ट डिकम्पोजर 3000 लीटर पर एकड़, अगर हिल्स पे है तो उसमें दूसरे तरह से करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा प्लेन है जहां पानी जा सकता है तो 3000 लीटर पर एकड़ के हिसाब से वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लेंगे। उसके अंदर हम 300 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल देंगे, 10% उसका डालेंगे, 300 लीटर के आसपास आएगा। फिर हम 300 लीटर ही उसके अंदर ये जो हमारा पत्थरों से जो अर्क निकाला है वो भी डाल देंगे। फिर उसके अंदर आप 300 लीटर हम फिर लेंगे, आप ये जो हमारा हर्बल्स जो निकालेंगे उसको डाल देंगे, तो ये सब मिला के हमारा 900 लीटर, यानी 4000 लीटर हमारा वो बन गया। तो 4000 लीटर को पानी के साथ हर सिंचाई में डालेंगे, कम से कम एक महीने में एक बार सिंचाई होनी चाहिए, तो हर बार जब पानी के साथ जाएगा तो जमीनों को पूरा बदलेगा, फंगस बीमारी और तमाम वो हजारों बीमारी जो आपकी आती है सब जमीन में, जमीन से सब खत्म हो जाए। अगर आप इसको पानी के साथ नहीं डाल सकते तो ये जो सोल्यूशन बना, इस सोल्यूशन को हर प्लांट के पास आप जाके कम से कम 20 लीटर पेड़ के पास डालें, पेड़ के पास डालें, उसको अगर हो सके खरपतवार है तो उसे ढक दें, उसी को चारों तरफ लगा दें और उसी पे आप वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो बताया, हर पेड़ में 20 लीटर आप डाल दें, हर एक प्लांट में डाल दिया 20 लीटर, एक तो तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि आप ड्रिप इरिगेशन करते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन में वही 4000 लीटर लेके उसको ड्रिप इरिगेशन में हर महीने पास करें, जो हम प्लांट में डाल रहे हैं वो भी महीने में एक बार, ये डाल रहे हैं ये भी एक महीने में एक बार, तो ये हमेशा चलता रहेगा। इसके अलावा क्या करेंगे, जो हमने सॉइल के एप्लीकेशन हमारा हो गया, अब पेड़ को कम से कम साल में फ्रूटिंग होने के पहले 3 बार जरूर नहलाएं, ज्यादा नहलाएंगे और अच्छा जो हमें सोल्यूशन बनाया है इसी तरह से सोल्यूशन आप बना लें, इसको पूरे पेड़ को ऊपर से नहला दें, यानी चाहे पूरा भिगो दें, जब भिगोएंगे तो आप देखेंगे कि पेड़ जो है बिल्कुल आपका साफ हो जाएगा। अब इसमें जब स्प्रे करेंगे, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि क्वांटिटी थोड़ा कम लेंगे, क्योंकि हमने अभी 4000 लीटर था तो इसमें 2000 लीटर बनाएंगे, यानी 2000 लीटर आपने वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन ले लिया, 200 लीटर उसके अंदर हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिया, 200 लीटर हमने उसके अंदर पत्थरों का अर्क डाल दिया और 200 ही लीटर हमने उसके अंदर आपका जो खरपतवार से निकाल के हमने जो जूस निकाला था पत्तियों का वो डाल दिया, तो ये हमारा 2600 लीटर हमारा हो गया। अब इसी को पूरे प्लांट पे नहलाएं, तो ये जो बना है फार्मूला, हर बार हर आपके महीने में एक बार नहला दें, तो मतलब साल में अगर नहलाना है तो आपको फ्रूटिंग के पहले 3 बार जरूर नहलाएं, 3 से 5 बार होता है, 5 बार नहलाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप 3 बार नहला सके तब भी आपकी बीमारियां सब खत्म होगी। अब उसके बाद अब चेंजेस क्या आएंगे कि आप देखेंगे जो पत्ते निकलेंगे बहुत कोमल पत्ते निकलेंगे, अच्छे अच्छे कोमल पत्ते दिखाई देंगे। उसके बाद आपके जो डालियां निकलेंगी जो है उसमें अलग सी चमक आएगी, पेड़ में जो आपके जब सेब लगना शुरू होंगे उसकी सेटिंग अलग होगी, आपके जो दाग आते हैं दाग वाग बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी, चमक अलग सी होगी सेब के अंदर और सेब की क्वालिटी, क्योंकि इसमें आपने जो मिनरल्स डाले, जो पत्थरों से लेके मिनरल डाले, माइक्रोन्यूट्रिएंट डाले, उससे जो सेब की क्वालिटी आएगी, शाइनिंग तो अलग आएगी लेकिन स्वाद में बहुत बड़ा चेंज आएगा। एक तो मिठास बढ़ेगी, उसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अगर आप चाहें तो उसको कहीं भेजें, टेस्ट करके देखें, टेस्ट करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, एक अद्भुत आपको चीज आएगी। जो वैक्स हम लगाते हैं
सेबों के ऊपर, वो अपने आप बंद हो जाएगा क्योंकि ये नेचुरल उसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी और नेचुरल आपका जो सेब आएगा वो बिल्कुल साइनिंग आएगा और सड़ेगा लेट, ज्यादा सड़ेगा नहीं, उसको जल्दी रख सकते हैं और एक ही साइज आएगा। अगर साइज इतना बड़ा तो इतना बड़ा आएगा, तो साइज कम से कम 98% जो है ग्रेडिंग साइज सबका एक होगा, बाकी 4% छोटा मोटा हो सकता है लेकिन सबका एक आएगा। क्वालिटी बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी, आपको बीमारियों से निजात मिल जाएगा और आप देखेंगे कि बिल्कुल अद्भुत फल मिलेगा।